हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो कोशिका संरचना है। अध्याय जो है अपना वही चल रहा है। अध्याय 8 ही चल रहा है अपना, ठीक है। भाग कौन सा है? 6 है, ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या बात करी थी? मैंने ये बात बताई थी कि कोशिका आवरण के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका आवरण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें तीन परतें थी। पहली थी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति थी, ठीक है। दूसरा क्या था? ग्लाइको कैलिक्स था, ठीक है ना। और तीसरा क्या था? कोशिका कला, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। कोशिका आवरण की बात चल रही थी जिसमें हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है अपना टॉपिक आज का? वो है ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि ग्लाइकोकैलिक्स केवल जीवाणु में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केवल जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है ना। मान लो किसी जीवाणु का डायग्राम है। क्या है? जीवाणु का डायग्राम है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली जो पहला जो आवरण रहेगा, यानी जीवाणु में सबसे पहला जो आवरण रहेगा, जो सबसे पहला कवच रहेगा, उसको हम बोलेंगे कोशिका कला। क्या कहेंगे? कोशिका कला कहेंगे। उसके बाद जो आवरण रहेगा, उसके बाद उसको कहेंगे हम ग्लाइको। उसके बाद जो आवरण रहेगा उसको कहेंगे हम कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति कहेंगे। और उसके बाद एक और आवरण रहता है, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये है ग्लाइकोकैलिक्स। और उसके अंदर अपना जो भी है, ये जीवाणु हो गया, ये उसका। अब जीवाणु में तो केंद्रक पाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसका डीएनए ऐसे बिखरा हुआ रहता है, मिथोसोम होता है। तो मतलब ये जीवाणु की एक संरचना है। जीवाणु की संरचना में मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे पहला आवरण रहेगा उसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे। जो मतलब जो सबसे अंदर की तरफ रहेगा आवरण, उसको हम कोशिका कला कहेंगे। उसके बाद जो आवरण रहेगा उसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे। और उसके बाद जो आवरण रहेगा उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स को और क्या क्या बोला जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स को क्या क्या बोला जाता है? सबसे पहला तो बोला जाता है स्लाइम परत, यानी स्लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लाइम बोला जाता है। और दूसरा क्या बोला जाता है? कैप्सूल, ठीक है। दो चीजें और बोली जाती है ग्लाइकोकैलिक्स को, दो चीजें और बोली जाती है। पहला बोला जाता है स्लाइम, और दूसरा क्या बोला जाता है? कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है ना। स्लाइम कब बोला जाता है? जब ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण पॉलीसेकेराइड से हुआ हो। किससे? पॉलीसेकेराइड से जब ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण हुआ हो, तब उनको क्या बोलेंगे? उसको कैप्सूल बोलेंगे। और सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम बोलेंगे। सॉरी, स्लाइम कब बोलेंगे? जब पॉलीसेकेराइड से बना हुआ हो। क्या? ग्लाइकोकैलिक्स।
ग्लाइकोकैलिक्स जब पॉलीसेकेराइड से बना होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो तब उसको हम स्लाइम बोलते हैं, ठीक है ना। कैप्सूल कब बोलेंगे, कैप्सूल तब बोलेंगे जब पॉलीसेकेराइड और प्लस पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, इन दो चीजों से जब मिलकर बना हो ग्लाइकोकैलिक्स तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कैप्सूल बोलेंगे। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ग्लाइकोकैलिक्स को कभी कभार स्लाइम पार्ट भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है, कैप्सूल भी बोला जाता है। कैप्सूल कब बोला जाएगा, जब पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर क्या बना होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। और जब ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स, इसका कोई मेनली स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ग्लाइकोकैलिक्स किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो एक होता है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, जिनका अलग अलग नाम मैंने बता दिया, स्लाइम और कैप्सूल। पॉलीसेकेराइड कब, जब स्लाइम कब, जब पॉलीसेकेराइड से बनकर मिलकर बना हो, तथा कैप्सूल कब, जब पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हो, तब हमको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था आपका ग्लाइकोकैलिक्स। अब हम आगे जो बढ़ेंगे उसकी जीवाणु का जो सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा, कोशिका आवरण का सबसे लास्ट वाला टॉपिक, कोशिका आवरण हम उसको लेंगे। क्या लेंगे हम, कोशिका आवरण का, सॉरी कोशिका कला। क्या लेंगे हम, कोशिका कला। इसको कहीं कहीं कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको सेल, इसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। देखिए जैसे कि बहुत सारे नाम है इसके, सेल मेम्ब्रेन नाम हो गया इसका, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नाम हो गया इसका, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या, और एक और नाम होता है उसका, हाँ प्लाज्मा लेमा, क्या होता है, प्लाज्मा लेमा, ठीक है ना। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली बोला जाता है, और इसको हिंदी में इसको जीवद्रव्य कला भी बोला जाता है, जीवद्रव्य कला, ठीक है। देखिए कितने सारे नाम है, जीवद्रव्य कला या कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, ये हिंदी वाले नाम है। इंग्लिश वाले नाम सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये नाम होते हैं इनके, ठीक है। समझने वाली बात क्या होती है कि कोशिका कला होती क्या है, कोशिका कला होती क्या है। मान लो अगर ये किसी चीज का डायग्राम, मान लो ये अपनी किसी चीज की कोशिका हो गई, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जो आवरण रहता है, जो सबसे अंदर की तरफ रहता है, अक्सर होता क्या है, डबल ट्रिपल होते हैं, किसी किसी में डबल ही, किसी किसी में सिंगल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जीवाणु की कोशिका में, जीवाणु की जब कोशिका का चित्र बनाएंगे तो उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, उसमें ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाएगा और उसमें कोशिका कला भी पाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम किसका, जब हम जंतु कोशिका की बात करेंगे तो उसमें केवल कोशिका कला पाई जाएगी, ना ही कोशिका भित्ति पाई जाएगी और ना ही आपका ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाएगा, ठीक है ना। और जब हम पौधे की बात करेंगे तो उसमें क्या पाया जाएगा, पौधे में केवल ये पाया जाएगा, दो लेयर पाई जाएगी, पहला जो होगा वो कोशिका कला हो जाएगा, ठीक है, कोशिका कला, और दूसरा क्या, कोशिका भित्ति,
ये किसकी बात हो गई है, ये बात हो गई आपके पौधे की। ये किसकी बात हो रही है, इसमें एक और बना दूं मैं लेयर, ये हो गई आपके जीवाणु की, जिसमें पहला वाला कोशिका कलर, दूसरा वाला ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरा वाला कोशिका भित्ति और तीसरा वाला ग्लाइकोकैलिक्स। और अगर हम जंतु के बनाए, जंतु का बनाए, तो जंतु में केवल एक ही पाया जाता है, क्या, कोशिका कलर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कोशिका कला के बारे में। आप समझ गए होंगे कि कोशिका का सबसे शुरुआती आवरण जो होता है, जो पहला प्राइमरी लेयर होती है, उसी को हम कोशिका कला कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका कला होती क्या है, कोशिका कला एक अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, या विभेदी, विभेदी पारगम्य होती है, ठीक है ना। क्या समझने वाली बात है कि कोशिका कला क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है या विभेदी पारगम्य होती है, ठीक है ना। अब ये दोनों टॉपिक अभी तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो मात्र 10-15 मिनट के बाद जो टॉपिक आने लगेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि इसके डिटेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए बस ये आप इतना ध्यान रखिए कि कोशिका कला क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है और विभेदी पारगम्य होती है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, बस अभी के लिए बस इतना कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि कोशिका कला का संगठन क्या होता है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना होता है कोशिका कला का संगठन, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और क्या, और लिपिड से मिलकर बना होता है, और क्या, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। तीन चीजों से मिलकर बना होता है कोशिका कला, क्या, कोशिका कला मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये है आपके लिए समझने वाली बात। अगर हम बात करें कोशिका कला के संगठन के बारे में, तो मुख्य रूप से आपको तीनों चीजें याद रखने की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अभी मैंने किसके बारे में बात करी कि कोशिका कला का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है, तो कोशिका कला का निर्माण प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से हुआ है, ठीक है ना। अब हम जब टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, जब हम लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कोशिका कला की संरचना कैसी होती है, किन किन संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो कोशिका कला की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। यह नोट कर लीजिएगा कि कोशिका कला मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड फ्रॉम प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ओके। चलिए नेक्स्ट, कोशिका कला की संरचना। संरचना देखेंगे अब हम कोशिका कला की संरचना। वैसे बहुत सारी संरचनाओं का हमने अध्ययन किया, बहुत सारी संरचनाएं हमारे सामने निकल के आई थी, लेकिन जो तीन संरचनाएं हम, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर, हम उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहली जो संरचना है वो है सैंडविच, क्या, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल किसने दिया था, ये दिया था डेनियल, किसने दिया था, डेनियल, डेनियल और डॉसन ने, डेनियल और डॉसन ने।
डेनियल और डॉसन ने कब दिया था? डेनियल और डॉसन ने दिया था ये 1935 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या था? एकल कला मॉडल, एकल कला मॉडल, एकल कला मॉडल किसने दिया था? ये दिया था जेडी रॉबर्टसन ने। किसने दिया था? जे डी रॉबर्टसन ने, जे डी रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? 1959 में। कब दिया था? 1959 में। एक और की बात होती है, तरल मोजेक मॉडल। क्या? तरल मोजेक मॉडल, ये क्या किसने दिया था? ये दिया था एस जोरनाथन सिंगर ने। किसने दिया था? एस जो एस जोनाथन सिंगर, और किसने दिया था? और दिया था गार्ट निकोलस ने। इनको हम जी निकोलस बोलते हैं, जी निकोलस ने, ठीक है। तो कोशिका कला की संरचना से संबंधित बहुत सारे मॉडल हमारे सामने आए, परंतु समय समय पर उन मॉडलों में कुछ ना कुछ कमियों के कारण हम मुख्य रूप से तीन मॉडल को हम उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। पहला मॉडल क्या है? सैंडविच मॉडल। किसने दिया था? डेनियल और डॉक्सन ने। कब दिया था? 1935 में दिया था। ये वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने चाहिए, ये सारे मॉडल है और ये उनके वैज्ञानिक हैं, ठीक है। सैंडविच मॉडल, वैसे बहुत सारे मॉडल, मैं बात बात बता रहा हूं कि बहुत सारे मॉडल आए, बट हमारे पास क्या? सैंडविच मॉडल। किसने दिया? डेनियल और डॉक्सन ने। कब दिया था? 1935 में। एकल कला मॉडल किसने दिया? जेडी रॉबर्टसन ने। कब दिया? 1959 में। ऐसा ध्यान करना है, अपने दोस्तों से ऐसे टॉपिक पर बात करना है, अरे भाई बता कि जेडी एकल कला मॉडल किसने दिया, तो जेडी रॉबर्टसन ने दिया। अरे कब दिया था भाई? तो 1959 में दिया था। इस तरह से बात करिए तो आपको आसानी से आएगा। तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? एस जोनाथन सिंगर ने। और किसने दिया? जी निकोलस ने दिया था। कब दिया था? 1972 में, ठीक है। कब दिया था? 1972 में। तो ये है कोशिका कला से संबंधित तीन प्रमुख मॉडल। अब हम इसमें पहले वाले मॉडल को उठाएंगे और उसके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए, अपना हेडिंग क्या रहेगा? अपना हेडिंग रहेगा सैंडविच मॉडल। किसने दिया था? डेनियल व डॉक्सन ने। कब दिया था? 1935। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी देखेंगे अपन। बिल्कुल सैंडविच की तरह ही रहेगा ये, आप लोग देखेंगे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह बताया था इसके बारे में कि यहां पर प्रोटीन दो परतों में मुख्य रूप से स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। ये उनके जो है ये उनकी स्पष्ट परतें हैं लिपिड की,
इस तरह से कुछ उनमें होती है परतें, और इस लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये प्रोटीन, यह प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है उसके साथ। ये सब प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये प्रोटीन होता है। कुछ प्रोटीन यहां पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये सैंडविच मॉडल किसका, सैंडविच मॉडल किसका, डेनियल और डॉक्सन का। ये दोनों जो क्या है, ये है लिपिड अणु। क्या है ये लिपिड अणु है, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन है। ये है कोशिका कलाक से संबंधित सैंडविच मॉडल, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ये मॉडल बनता है। अगर मैं आपको इसमें संरचना में बताऊं तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये जो गोल गोल ये सब क्या है, ये लिपिड होते हैं। और जो ये बिल्कुल डार्क कलर का जो होता है, बिल्कुल डार्क जो दिख रहा है, ये गोल वाला क्या है, ये सब लिपिड है। ये और ये लिपिड होते हैं। और जो मैंने डार्क डार्क किया है, ये डार्क डार्क क्या है, ये सब कोशिका के अंदर साइड में क्या है, ये सब प्रोटीन होते हैं। और ये दोनों गोलाकार और लिपिड के बीच में ये रेशेदार संरचना होती है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये पूरे जगह पर, पूरे गोले में पाया जाता है, पूरी कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हम इसको अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमें बिल्कुल कैसा दिखता है, दिखाई देता है, बिल्कुल सैंडविच मॉडल की तरह दिखाई देता है। तो ये है क्या आपका, सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। और कोशिका के अंदर हमें इस रूप में ये दिखाई देता है, इसी का बड़ा रूप ये है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये क्या है आपका, सैंडविच मॉडल है। आसानी से इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट मॉडल है वो अपना नेक्स्ट मॉडल क्या है, एकल कला मॉडल। क्या है, एकल कला मॉडल, एकल कला मॉडल। किसने दिया था, ये दिया था जेडी रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था भाई, तो 1959 में दिया था। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, देखिए क्या, ये क्या हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, ये हम बात कर रहे हैं आपके ये क्या है, ये सब लिपिड है। ये अपना
एकल कलर मॉडल, ये जितने भी रेशेदार है उसको क्या बोलते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएगा, ये सब प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, ये प्रोटीन कहलाएगा। एकल कलर मॉडल को इंग्लिश में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये है आपका एकल कलर मॉडल, क्या है, एकल कलर मॉडल। अब मैं एक चीज बात बताऊंगा, जितनी भी जीव झिल्लियां होती हैं, जितनी भी जीव झिल्लियां होती हैं उनकी कोशिका के अंदर जो कोशिका कला होती है उनमें एकल कला मॉडल पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जीव झिल्लियों के अंदर समस्त कोशिका में, समस्त कोशिका के कोशिका कला में एकल कला मॉडल पाया जाता है, ठीक है ना, क्या, एकल कला मॉडल पाया जाता है। तो ये था एकल कला मॉडल का आपका डायग्राम, ठीक है। ये दो मॉडल के बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर ली है। अब जो अगली जो आपका है तरल मोजक मॉडल, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जब तक के लिए आपको इसको अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केवल तीन ही चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, सैंडविच, एकल कला और तरल मोजक मॉडल, ठीक है ना। इसके वैज्ञानिक के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी सभी चीजों का नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और बेहतर करने के लिए बेहतर तरीके से टॉपिक पर बात करना शुरू कर दीजिए। जितना बात करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और खुद आप बहुत कुछ सीखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।